जा रहे हैं और मेरे को ना बहुत एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि हमने घर में किसी को नहीं बताया हुआ। जा रहे कैब में और आएंगे एक लड़का। फिर हम उनको थोड़ा सा गाड़ी चलने के बाद बताएंगे कि हमारी गाड़ी है, फिर उनका रिएक्शन देखेंगे कि क्या रिएक्शन होगा। तो मैं उस चीज के लिए बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। कंट्रोल करो, ना कर लो, हमारी गाड़ी है ये। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो के अंदर। आप भी कुछ बोलो। राम राम। हाँ तो यार आज ना हम व्लॉग शुरू कर रहे हैं घर से। तो आज ना एक शॉकिंग वाली चीज होने वाली है। हम थोड़ा धीरे बोल रहे हैं और हम बाहर आके बात कर रहे हैं क्योंकि क्या होने वाला है, हम लेके आ रहे हैं गाड़ी, पहली बार गाड़ी, और हमें चलानी नहीं आती। दोनों को ही नहीं चलानी है, सीख लेंगे हम जब गाड़ी आएगी ना। तो हम दोनों पहली गाड़ी ले रहे हैं, लेकिन हमने किसी को भी नहीं बताया घर के अंदर, स्पेशली यहाँ पे। मतलब मेरे घर पे तो पता है, लेकिन यहाँ पे नहीं पता। हमने सोचा था कि सरप्राइज देंगे और चलो अब देखेंगे कि क्या होगा। तो अब हम बस निकल ही रहे हैं गाड़ी लेने के लिए। काफी दिनों से प्रोसेस चल रहा था और अब फाइनली वो डन हो चुका है। और गाड़ी तो सेकंड हैंड है, लेकिन गाड़ी अभी पुरानी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम दोनों को चलानी नहीं आती, हमें आती तो है नहीं, लेकिन वो भी हमारे लिए यार पहली गाड़ी पहली होती है, चाहे वो कैसी भी हो। तो चलो अच्छी है ऐसी कैसी। मतलब मैंने नहीं देखी, उन्होंने देखी है, लेकिन मैंने समझ गई ना कैसी है क्योंकि मैंने फोटोज वोटोज में देख लिया था। और अब जा रहे हैं और मेरे को ना बहुत एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि हमने घर में किसी को नहीं बताया हुआ, मम्मी पापा को बिल्कुल भी नहीं बताया हुआ। तो कविता भी आई हुई है, इनकी सिस्टर, बस उनको पता है कि हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं। तो चलो अब चलते हैं और देखेंगे कि क्या रिएक्शन होगा। स्टार्ट करी और बहुत जल्दी जल्दी मैं स्टार्ट करी। तो आज हम ना घर वालों को एक सरप्राइज देने वाले हैं। प्लानिंग चल रही है, वैसे हमारी स्कूटी यहाँ खड़ी होती है, लेकिन हमने ना वहाँ खड़ी करी है क्योंकि हमने बोला हम स्कूटी से जा रहे हैं, तो अब हम कैब से जा रहे हैं। ऊपर कोई भी नहीं है तो फटाफट निकल लेते हैं। तो चलो फटाफट चलते हैं। टाटा। तो फाइनली हम निकल चुके हैं, जा रहे हैं कैब में और आएंगे रिकॉर्ड। एक लड़का ये भी हमारा साथ, हमारा साथी है। अरे साथी बोले, जीवन साथी। जीवन साथी नहीं, जीवन साथी तो जीवन साथी भी होता है ना। मेरी मैडम कहती है मेरी सोचता है शादी तो आई था। देखो अभी तो क्या है ना, हम इसको जो उसने पेंट करा रखा था उस गाड़ी में, व्हाइट में पूरा पेंट था, यही पेंट हम साफ सफाई से करवा लेंगे। मुश्किल से 4-5 हजार रुपए लग जाने हैं, 5-6 हजार रुपए जो भी लगेगी, पर पेंट बढ़िया हो जाएगा। पर अभी इसलिए नहीं करा, मैं चलाते कहीं मार मोड़ दी तो फिर लगाना पड़ेगा, इसलिए नहीं करवाया। अभी इसको छेड़ना ही नहीं है, सील होगा। सरप्राइज है ये जो मेरे पीछे खड़ी है। तो हम आए हैं गाड़ी लेने के लिए, हालांकि हमारी सेकंड हैंड कार है, मतलब सेकंड हैंड ले रहे हैं, लेकिन हम दोनों को चलानी नहीं आती। तो हमने सोचा था सेकंड हैंड लेंगे पहले, तो लेकिन पहली गाड़ी तो पहली गाड़ी होते ना। तो ये रही हमारी गाड़ी, तो अभी इसको लेके घर चलेंगे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार, और हमने घर में किसी को भी कुछ नहीं बताया, तो अब सबके लिए सरप्राइज हो जाए। Ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. फिर गाड़ी तो हमने ले ली है और फाइनल हो गया, अब हम घर जा रहे हैं गाड़ी लेके। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देती हूँ, तो हमने जिनसे गाड़ी ली है जिनके थ्रू, उनका ना टैक्सी सर्विसेज का काम है। तो कुछ ये रहा, ये गाड़ियाँ जा रहे हैं, फिर बोर्ड दिखाते हो तरीका ना तो भाई। तो आप ऑल ओवर कहीं भी आपको जाना है ना इंडिया में, आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो, तो ये आपको टैक्सी प्रोवाइड कर देंगे। और जो मतलब जैसी भी गाड़ी आपको चाहिए होगी ना, वो प्रोवाइड कर देंगे। ये सारी गाड़ियां खड़ी है और बाकी जो इसमें लिखी है ना, वो सारी गाड़ी है, आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो और कहीं के लिए भी गाड़ी बुक कर सकते हो ना इनको। तो ये रहा नंबर। तो यार हमने यहाँ से गाड़ी ली है, सरस्वती मोटर्स, तो जेन्युइन गाड़ियां मिलती है इनपे, तो आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो अगर आपको सेकेंड हैंड कार्स की रिक्वायरमेंट है। तो कोई सी भी गाड़ी आपको मिल जाएगी, भैया मिलेंगे आपको, आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ये नंबर है इनका। तो आपको जिस भी गाड़ी की रिक्वायरमेंट हो ना, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। सबसे सस्ती कार, सबसे बढ़िया कार। हाँ। तो यार चलो अब घर चलते हैं इसी गाड़ी के अंदर। बोलो शंकर भगवान की जय।
तो मैं एक्साइटेड हो रही हूँ, घर वालों का क्या रिएक्शन होगा, सारे आज क्या रिएक्शन देंगे। तो फाइनली खुद की कार, सबका सपना होता है, लेकिन जब पूरा होता है तो इमोशंस भी मिक्स हो जाते हैं कि खुश हुए या नाचे। तो गाड़ी की डिलीवरी लेने के बाद सबसे पहला काम हमने करा CNG भरवाई, क्योंकि हमारी कार CNG पेट्रोल दोनों पे चलती है। आपकी चिट चैट में वो कर रही हूँ, ठीक है, क्या कर रही है? रिकॉर्ड याद रहेगी ना कि ऐसे लड़ रहा है। तो यार मैं मिठाई लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि अब जाएंगे मंदिर और पूजा करेंगे वहाँ पे। तो अब फटाफट से यहाँ से लड्डू लेते हैं और चलते हैं पूजा करते हैं। तो यार नगर वाली छोटी भी ले लिया मैंने, कितने पेटीएम कर दूँ। तो यार सारी गेम अब शुरू होती है। अब हम घर पहुंच चुके हैं और हमने ऐसा ऐसा बोला मम्मी को कि भैया है, भैया के साथ हम घूमने जा रहे हैं और ये गाड़ी भैया की है, सो उनको पता ही नहीं चलेगा कि किसकी है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था और ऐसा कुछ उनके दिमाग में भी नहीं आएगा। फिर हम उनको थोड़ा सा गाड़ी चलने के बाद बताएंगे कि हमारी गाड़ी है, फिर उनका रिएक्शन देखेंगे कि क्या रिएक्शन होगा। तो मैं उस चीज के लिए बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ कि क्या रिएक्शन देंगी वो। कौन कौन आ गया? अब हम सारे साथ में घूमने जा रहे हैं, पहले हम तीन जा रहे थे, अब हम सारे साथ में। और मंदिर में कर लो, एक बात है पूजा करनी है तो क्या हुआ? कोई नहीं, उसके बाद तो बाजियों का फोन आया हुआ था, 5 मिनट तक फोन चला, उसके बाद कंट्रोल करो, घूमने जा रहे हो सब, थोड़ा बहुत ऐसे ही, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। कविता दी तो घूमना चाहती थी ना, घूमना था। और क्या, तभी तो हमने प्लान कर रहे थे कि दोपहर में कहीं घूमने चलते हैं शाम को। आ गया, चली जा। ये तो पता ही नहीं, ये मंदिर आ गया, मंदिर मत्था टेक लेते, चलो यहाँ कर लो पूजा। अच्छा गाड़ी लाया तारे वाला, यार उनको कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, कोई खुशी नहीं, चोट लग गया। चलो यार पूजा करते हैं फटाफट से। तो चलो मम्मी तो शौक हो गई, और यहाँ होती है पूजा शुरू। कभी भी कोई भी चीज लो ना, नई पुरानी, तो पूजा जरूर करनी चाहिए भगवान को शुक्रिया और उस चीज का वेलकम करने के लिए। यार नया ड्राइवर आज गाड़ी चला रहा है, टायर के नीचे नींबू है ना वो फोड़ने हैं, तो ये गाड़ी चला रहे हैं पहली बार जिंदगी है। फोड़ दिए, हाँ तो अभी ज्यादा है तो स्पेस थोड़ा कम हो गया। अभी हमें अराउंड मार लिया है, एक जना और यहाँ पे भी है, सॉरी। हाँ तो ये खुशी 50% अधूरी है, क्योंकि ना तो मुझे कार चलानी आती है ना तो इनको। लेकिन एक मिनट, हमने गाड़ी तो इसीलिए ली थी ना, ताकि हम गाड़ी चलाना सीखेंगे, तो फिर चलो टाइम किस बात में वेस्ट करना। तो यार आज है हमारा डे वन गाड़ी सीखने का, तो चलो चलते हैं। तो अभी हम खाली जगह जा रहे हैं जहाँ पे गाड़ियाँ ज्यादा ना हो और हम आसानी से गाड़ी चला पाए। वैसे शाम के टाइम और दोपहर में, और मतलब पूरे दिन ही भीड़ रहती है, बस सुबह और रात के टाइम खाली रहता है, ये चलानी शुरू करेंगे। ये भी मतलब जाएगी, क्या फायदा है, 1000 रुपए का खर्चा लगवा रखा है।
चलाओ यार, एक राउंड मारना नहीं है, तुझे दिख नहीं रहा सारे घूम रहे हैं, चला लेगा ले। मैंने तो डाल तो दिया, चला फिर तू रुक गया, वो रुक गया ना, नहीं रुक गया जब डाल पैदा, चल मोड़, अरे इसको छोड़ना तुझे लपना, अपने आप देख गया वो, चल वेरी गुड, छोड़ छोड़ छोड़, तो देख 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 कहाँ जा रही है, देख कहाँ जा रही है गाड़ी, अभी भी नहीं काट रहा वो, मैं तेरे वाले अभी भी मेरे स्टाइल मत लपटा, अभी भी नहीं काटा, देख रहा वहां घुस रही है, देख रहे हैं आप तो बहुत अच्छी चला रहे हो, ऐसे ही है बड़ा जी, मैं तो भाई जहाँ से भाभी ने चलाई है ना वहां तक लेके चला, चल ये बॉय, ये जो भी गलती कर दी ना वो नहीं करनी, बस ध्यान रखियो, अंकल इसको ओवरटेक कर कर ले अपनी साइड, ले ओवरटेक का मतलब उसको पार करके अपनी अपनी साइड में दबाना, स्लो कर ले गाड़ी को, स्लो कर देख ले, भाई कमर भी तो चकना होगा, जब बोलूं तब चमर चमर चका छोटा कर आराम से, बिल्कुल स्लो कर ले, बिल्कुल धीरे धीरे कर ले, पहला गियर कर ले, पहला गियर कर ले, स्लो कर ले, अपनी साइड में रखियो, कोई आ जाए तो अपनी साइड में रखियो, रोक लियो लगे ना वहीं पर, रोक दियो कोई दिक्कत नहीं, अपनी साइड में रखियो।